बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय फूड एंड टिप्स यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी लच्छेदार अचारी पराठा, जो जिसमें ये चीज़ें जो डलती है मैं आपको दिखाने लगी। इसमें लेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन, 2 टेबलस्पून चीनी, 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, और ये थोड़ा सा अचार जिसपे बहुत ही टेस्ट आएगा। 2 प्याली लेंगे हम आटे की, आटा ले लें या मैदा ले लें ये आपकी मर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीनी डालेंगे और नमक, इसमें ये अचार जाएगा, और इसमें एक अंडा डालेंगे। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा। घर में बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बहुत ही मज़े का बनेगा। ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अचार भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना। ये अचार वाला लच्छेदार पराठा बहुत ही मज़े का होता है, बनाना भी बहुत आसान है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा ना ज़्यादा नरम करना है और ना ज़्यादा सख्त करना है। अभी ट्राई करें, बच्चों को बना के दें, नाश्ते में बहुत ही मज़े का लगता है। यह अचारी पराठा बहुत मज़े का होता है, बाकी पराठों से बेहतर लगता है। आटा हमारा तैयार है, ये हम आधे घंटे के लिए इसको स्टे देंगे, उसके बाद फिर इसका पेड़े बनाएंगे। हम इसको ढांप देंगे आधे घंटे के लिए, उसके बाद फिर पेड़े बनाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े बड़े ही बनाएंगे, इतने छोटे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पराठा थोड़ा सा मोटा होता है। चार पराठे बनेंगे इसके। एंड वाला हमारा पेड़ा हो गया। अब हम बनाएंगे इसकी रोटी, बनाएंगे बिल्कुल पतली सी बनाएंगे हम इसकी रोटी, बेलते हैं। बिस्मिल्लाह। इसमें अचार नज़र आ रहे हैं, अचार के साथ बहुत ही मज़े का बनता है। इसे अचारी पराठा कहते हैं, अचारी लच्छेदार पराठा। अब इसे खींच लेंगे थोड़ा सा, अब इसमें घी लगाएंगे, घी या ऑयल कुछ भी लगा लें, मक्खन लगाना है वो आपकी मर्जी है, घी लगाना है तो वो आपकी मर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इसमें आटा लगाएंगे, 2 टेबलस्पून इस पर आटा लगाएंगे। रोटी जितनी पतली हो उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसको छुरी की मदद से काट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूं पतले पतले से ऐसे। इसमें अंडा भी शामिल है, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा, नरम बनेगा। अब हम इसको यूं ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको यूँ और खींच लेंगे, और खींचेंगे तो फिर इसको एक इधर से यूँ करेंगे, गोल करते जाएंगे। एक साइड से बड़ा करना है और एक साइड से छोटा। अब इसको यूँ इसके ऊपर ऐसे रख देना। पेड़ा हमारा तैयार है। अब दूसरा भी इसी तरह कर लेंगे। इसको हम यूँ लंबा भी बना सकते हैं, वो गोल बनाई थी ये हम लंबी बनाएंगे। अच्छा, रिवर्स में आपको बताऊं कि ये मक्खन की भी, मक्खन अगर ना भी हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, आटे में घी भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अंडा डालने से ये बहुत नरम और क्रिस्पी बनता है। अब ये ऐसे लंबा बनाएंगे। अब इसमें ऑयल लगाएंगे। इसके ऊपर फिर आटा। ये बहुत जल्दी बन सकते हैं, बनाने भी बहुत आसान है। अब इसको यूं काटेंगे। ऐसा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, बाद में इसको सही कर रहे हैं। अब हम इसको यूं करेंगे, दोनों साइडों पे ऐसे ही पकड़ेंगे। और ऐसे यूं खींच लेंगे। ये भी उसी तरह पेड़ा बनाएंगे। इधर से रोल बनाना शुरू करना है। एक साइड पे बड़ा बनाना है, एक साइड से छोटा बनाना है। जो छोटा है वो नीचे वाली साइड पे आएगा और जो बड़ा है वो ऐसे ऊपर आएगा। ऐसे हम सारे पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको हल्का हल्का सा घी लगाएंगे, ये खुशक ना हो। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसके पराठा बनाएंगे। अब 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। 5 मिनट के लिए इसको रखा था। अब हम इसको इसका पराठा बनाएंगे, बेलेंगे, नीचे घी लगाएंगे। और इसको हल्के हाथों से यूं यूं प्रेस करेंगे। यूं प्रेस करते जाएंगे, बस ये मोटा ही होता है, इतना ही काफ़ी है।
तो वह हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पराठे को हल्की आंच पे पकाना है। अब इसमें घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा तवे पे भी डालेंगे, नीचे के साइड पे चला जाए। ऑयल अपनी मर्जी से लगाना है, घी लगाएं या ऑयल लगाएं। कम या ज़्यादा वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान इसको यूं यूं हल्के हाथों से हलाते जाना है। थोड़ा सा घी और डालेंगे। गर्मी है आजकल, घी भी ऑयल की तरह हुआ होता है। ये अंदर से पक जाए, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। पकाते हुए कुछ देर तो लगती है और अंदर से पकाना होता है। कलर आना शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाह देखे माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आने लग गया है। देखे इसके ये लेयर, इसके लच्छे अलग अलग होंगे इंशाल्लाह। देखें अभी से अभी पक जाएगा, जितना रेसिपी होगा उतने लच्छे ज़्यादा खुलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा पराठा बना है। देखिए इसकी सब लेयर अलग अलग हैं, लच्छेदार पराठा तैयार है। देखिए हर तरफ से ये अलग अलग है, जितना मर्जी लंबा कर लें इसको। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट पर ज़रूर बताना। दूसरी वीडियो पे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।